दिन बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल केस ऑफ मार्कोनिकोव्स एडिशन। बच्चों, ये हमारा मार्कोनिकोव सीरीज का हमारा ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में आपने जाना था कि मार्कोनिकोव में रेडियो सेलेक्टिविटी कैसी होती है। दूसरी वीडियो में आपने जाना कि मार्कोनिकोव्स एडिशन में कितने टाइप की रेडियो सेलेक्टिविटी हो सकती है। और आज हम जानेंगे मार्कोनिकोव्स एडिशन रिएक्शन के कुछ स्पेशल केस जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन के साथ। फाइंड द प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शंस। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो रिएक्शन दी हुई हैं। इन दोनों रिएक्शन में आप देख पा रहे हैं कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जिसका रिएक्शन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट HBr के साथ करा रहे हैं। और ये कंडीशन जो होती है मार्कोनिकोव्स के लिए होती है। आप जानते हैं कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर होगा एक माइनर होगा, तो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। तो आप इनको देखिए और बताइए कि आपको क्या समझ में आता है, क्या ये सही है। अब मैं आपको कुछ सरप्राइज देता हूँ। सरप्राइज ये है कि बच्चों, जो आपने यहाँ प्रोडक्ट बनाए हैं ये गलत हैं। अगर आप एज्यूम करते हैं ये बनेगा तो बंधु ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्ट जो बनता है वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ये मार्कोनिकोव्स के एक्सेप्शनल केस हैं। यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल अलग हो जाते हैं। सरप्राइज आपके सामने है, बट इन एक्चुअल इन दोनों रिएक्शन में जो आपने ऊपर देखा था, इनमें दो प्रोडक्ट ये वाले बनते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि सर, आपने कहा था कि जो आपकी डेफिनेशन आपने सिखाया था उसके अकॉर्डिंग तो जो पहली रिएक्शन थी कुछ वैसा होना चाहिए था। आपने कहा था कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे रिएक्शन HBr का होता है तो मार्कोनिकोव होता है। तो आपने कहा था जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे H की नंबर ज्यादा होती है उस पे H जाएगा, और जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे H का नंबर कम होता है उसे Br जाएगा। तो Br यहाँ आना चाहिए था सर, और H यहाँ आना चाहिए था। आपने तो कुछ नई कहानी बना दी है। ऐसे थोड़ी होता है सर, आपकी मर्जी थोड़ी चलेगी, ये वो वगैरह वगैरह। यहाँ पे 4 मेंबर रिंग थी सर, आपने 5 मेंबर रिंग कर दी। लेकिन बच्चों, यही सच है। ये कुछ स्पेशल केस होते हैं मार्कोनिकोव के, ये आपने अभी तक जाने नहीं थे, डिस्कस नहीं किए थे, तो हम लोग इनको आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये नोट है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। इफ कार्बोकटायन इज द इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन, देन पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट इज मैक्सिमम बिकॉज रिएक्शन प्रोसीड्स वाया द स्टेबल कार्बोकटायन। आप जानते हैं कि टर्शरी कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम कौन सा होता है? प्राइमरी कार्बोकटायन। तो ये आप जानते हैं कि ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकटायन के लिए। अगर किसी रिएक्शन में प्राइमरी कार्बोकटायन बन रहा है तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि वो सेकेंडरी या टर्शरी में कन्वर्ट तो नहीं हो सकता, कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। अगर सेकेंडरी बन रहा है तो वो टर्शरी में कन्वर्ट होगा, और ये पॉसिबिलिटी ही कुछ स्पेशल केस बनाती है। ऊपर जो मैंने ये दो क्वेश्चन आपको दिए थे जहाँ पे हमारा जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा था, आपको डाउट आ रहा है, तो मैं उसकी मैकेनिज्म डिस्कस करता हूँ आपके साथ। आप उसको देख लीजिए कि कैसे अनयूजुअल प्रोडक्ट बनता है, वो कौन सी चीज है जो इसको स्पेशल बनाती है। मैकेनिज्म देखिए, हमारा पहला एग्जाम्पल था अनसिमेट्रिकल एल्कीन का, हमने HBr लिया हुआ है। बच्चों, तो आप जानते हैं कि HBr के दो पोर्शन होते हैं, इसमें हमारा कैटायनिक प्रोटॉन होगा और एनायनिक ब्रोमाइड आयन होगा। तो पहले स्टेप में हम दिखा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आप जानते हैं कि मार्कोनिकोव जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है। तो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रोटॉन पे अटैक करेंगे। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाला एच जो है यहाँ पर जाएगा, क्योंकि आपको देखना होता है कि वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन जहां पे एडिशन होना है उसमें किस कार्बन के पास एच का नंबर कम है या ज्यादा है। तो जिस पे ज्यादा होते हैं उस पे एच पार्ट जाता है, प्रोटोन जाता है, तो ये CH3 बन जाएगा, बॉन्ड सिंगल होगा और यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, यानी कि हमारा बन गया है सेकेंडरी कार्बोकटायन। भी आपको नोट में बताया था कि आपको देखना है, आपको अलर्ट रहना है प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकटायन फॉर्मेशन वाले केस में, तो सेकेंडरी वाला बना है। आपको पता है कि ये और भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन में कन्वर्ट हो सकता है, इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन टर्शरी होता है। तो बच्चों, एनी हाउ यहाँ पे रीअरेंजमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या रीअरेंज होगा। तो बच्चों, यहाँ पर 1,2-हाइड्राइड शिफ्ट होता है, यहाँ से ये हाइड्राइड आयन एच जो है हेटरोटिक क्लीवेज होगा, हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है और यहाँ पे इस कार्बोकटाइन सेकेंडरी कार्बोकटाइन पे जाके अटैच हो जाता है, ऐड हो जाता है, इसलिए कहलाता है ये 1,2-हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। तो देखिए, जब यहाँ से H यहाँ कंबाइन हो जाएगा तो ये कार्बोकटाइन कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में और प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा कुछ ऐसे। तो देखिए, यहाँ पे जब प्लस चार्ज आएगा हाइड्राइड आयन निकलने के बाद, तो ये हमारा बन गया टर्शरी कार्बोकटायन। और आप जानते हैं कि सेकेंडरी से बहुत ज्यादा स्टेबल है हमारा टर्शरी कार्बोकटायन, और ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन बन चुका है। तो अब ये रिएक्शन को पूरा
करने में हेल्प करेगा। पूरा तब होगा जब हमारा HBR का दूसरा फ्रेगमेंट ऐड हो जाएगा। दूसरा फ्रेगमेंट है हमारा न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर ब्रोमाइड NIN, ये यहाँ पे कंबाइन होगा और ये बन जाएगा हमारा टर्शियरी हैलाइड। याद कीजिए जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था वहां पर मेजर अनयूजुअल प्रोडक्ट ये बनता है। क्लियर है आपको? और एक चांस ये था कि इससे कम स्टेबल हमारा सेकेंडरी होता है तो ब्रोमाइड यहाँ पे भी कंबाइन होगा। तो ब्रोमाइड जब यहाँ पे कंबाइन होगा तो वो माइनर होगा लेकिन मेजर हमारा टर्शियरी कार्बोकैटायन के थ्रू बनेगा और इसका सिंपल नेम होगा टर्शियरी हैलाइड। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, पोज कीजिएगा, बनाइएगा, डेफिनेटली आपको क्लियर होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो वो अगले एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब लेते हैं बच्चों दूसरा एग्जांपल। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन HBR से, आप जानते हैं रिएक्शन जो होती है मार्कोनिकोव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। तो आप जानते हैं कि HBR से जो H पार्ट है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो जाएगा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जिसपे की H का नंबर ज्यादा है, तो इस वाले कार्बन पे H हमारा कंबाइन हो जाएगा, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो बनने वाला कार्बोकोटाइन हमको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये कार्बोकोटाइन जो है ये होता है सेकेंडरी कार्बोकोटाइन। आप जानते हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकोटाइन हमारा बन चुका है। यहाँ पे दो कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। पहला कंसेप्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकोटाइन। अगर बनने वाला आपका प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बोकोटाइन होता है तो आपको ध्यान देना होता है टूअर्ड द मोर स्टेबल कार्बोकोटाइन। आप जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकोटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी कार्बोकोटाइन, तो ये कन्वर्ट हो सकता है टर्शियरी में। क्लियर है आपको? और दूसरी पॉसिबिलिटी आपको ध्यान देनी है यहाँ पर कि वो है बेयर स्ट्रेन थ्योरी की। बेयर स्ट्रेन थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई 3 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड रिंग होती है तो उसके अंदर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो रिंग अनस्टेबल हो जाती है। और वहां पर अगर रिंग के बाहर कोई कैटायन बन जाता है, रिपीटिंग अगेन, अगर 3 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर कोई कार्बोकैटायन बनता है तो वहां पे रिंग एक्सपेंशन के चांसेस होते हैं। छोटी रिंग जो होती है वो बड़ी कार्बन वाली रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, ये केस कहलाता है रिंग एक्सपेंशन। तो यहाँ पे जानते हैं रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने कार्बन रिंग को नंबरिंग किया हुआ है 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर रिंग क्लीव होने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो रिंग यहाँ से क्लीव हो सकती है, रिंग यहाँ से क्लीव हो सकती है, दोनों सेम पॉसिबिलिटी है। तो मैं यहाँ से रिंग क्लीव करूंगा, जब यहाँ से रिंग क्लीव करूंगा तो चौथा कार्बन जो है वो कार्बोकैटायनिक साइट के साथ में कंबाइन हो जाएगा, बॉन्ड पेयर जो है इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर यूज जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए। तो आपका जो रिंग एक्सपेंशन के बाद बड़ा रिंग 5 कार्बन का रिंग दिखाई पड़ेगा वो कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पे इस कार्बन फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी कम होगी क्योंकि बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटने से वैलेंसी कम हुई है। तो ये प्राइमरी जो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा टर्शियरी कार्बोकैटायन में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन से सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया है। जो हमारी 4 मेंबर रिंग छोटी रिंग थी वो स्ट्रेन रिंग थी, लेस स्टेबल रिंग थी, वो कन्वर्ट हो गई है 5 मेंबर कार्बन रिंग में। यहां पर स्ट्रेन जो है वो कम हो गया और इसकी स्टेबिलिटी पहले से बढ़ गई है। और अगला स्टेप तो आप जानते हैं, अगला स्टेप जो हमारा यहां पे होगा वो हमारा न्यूक्लियोफाइल यानी HBR का BR- जो है वो अटैक करेगा कार्बोकोटाइनिक साइट पे। ये हमारा मोर स्टेबल कार्बोकोटाइन है तो BR- बच्चों यहाँ पे अटैक करेगा। और जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा हमारा ब्रोमाइड NIN और हमारा बन जाएगा 5 मेंबर्ड सब्सटीट्यूटेड स्टेबल प्रोडक्ट। क्लियर है? तो बच्चों आपको ये दो केस जरूर ध्यान रखने हैं। पहला केस तो रहेगा हमारा कटायन की स्टेबिलिटी का और दूसरा रहेगा रिंग एक्सपेंशन का, ध्यान जरूर रखिएगा। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये दो केस जो है हमारे मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन के एक्सेप्शनल केसेस हैं। डिफरेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है।